मुंबई से लौटे युवक को कोरोना संदिग्ध होने पर व्यापार मंडल ने जिला मुख्यालय पर कोरोना जांच कराने की अपील। फिलहाल युवक के कोरोना संक्रमण को लेकर मोहल्ले में दिखा भय का माहौल। अमेठी के भातर विकास खंड के रामगंज कस्बे में लक्ष्मणगंज मोहल्ले में रमा शंकर पाल का हार्डवेयर की दुकान है। उनका भाई गौरी शंकर मुंबई में रहता है। 3 दिन पहले वह परिवार के साथ घर आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसे बुखार और खांसी की शिकायत थी। लोगों की सूचना पर 2 दिन पहले रामगंज चौकी प्रभारी ने उन्हें जाँच कराने के लिए कहा था, लेकिन भातर ब्लॉक मुख्यालय पर जाँच प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिस पर आज व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रहरी तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा सहित दर्जनों व्यापारी रमा शंकर पाल के यहाँ पहुंचे और अभी तक हुए जांच की जानकारी ली, जिस पर उन्होंने बताया कि भादर मुख्यालय पर थर्मल स्क्रीनिंग हुई है। व्यापारियों ने उन्हें जिला मुख्यालय पर जांच कराने की बात कही। फिलहाल स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर भय व्याप्त है। वहीं पाल हार्डवेयर के मकान में बेकरी की दुकान चला रहे व्यापारी ने भय के चलते दुकान बंद कर रखा है। अमेठी से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। एसपी हेमराज मीना के निर्देश पर बस्ती कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 284 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का डायरेक्टर हुआ गिरफ्तार। एसपी रविंद्र कुमार सिंह, सीओ गिरीश कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाल रामपाल यादव की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अभियुक्त मनोज अधिकारी को कर लिया है गिरफ्तार। आपको बता दें, जमा धन को कम समय में दोगुना कर प्लॉट देने के नाम पर करते थे ये ठगी। अभियुक्त मनोज सरकारी द्वारा अन्य अभियुक्तों से मिलकर जनता से धोखाधड़ी कर उन पैसों को लगाते थे प्रॉपर्टी खरीदने में। धोखाधड़ी कर पंजाब, राजस्थान, नई दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, बिहार में प्रॉपर्टी में किए हैं उपयोग। एसपी हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया खुलासा। अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सब इंस्पेक्टर विनोद यादव, सब इंस्पेक्टर कन्हैया पांडे, कांस्टेबल हरेंद्र यादव, अभिषेक कुमार रहे शामिल। बस्ती से राजन कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, थाना कोतवाली अंतर्गत एक मनोज अधिकारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सन 2019 में 5 मोटा 1 से 50 4 6 506 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
डेवलपर्स लिमिटेड, दूसरे थे कमलजीत सिंह वल डायरेक्टर किम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तीसरे थे श्री कंचन कुमार गुप्ता डायरेक्टर किम फ्यूचर विजन सर्विसेज लिमिटेड, चौथे थे संजीव सिकदर डायरेक्टर किम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, पांचवे थे जगमोहन सिंह डायरेक्टर नेक्टस कॉमर्शियल स्टेट लिमिटेड। और ये सभी लोग पंजाब और दिल्ली के निवासी थे। इनके ग्रुप में 5 लोगों के ग्रुप में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें बादी के द्वारा ये बताया गया था कि उनके द्वारा 74 लाख और करीब 97,000 रुपये का इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने कराया, और उसके बाद में उसको तो दोगुना करने और फ्लैट जो जमीन के रिटर्न देने और नॉन कन्वर्टेबल जो डिवेंचर थे वो जारी इन्होंने प्रोसेस किया था, और उसका प्रलोभन दे के उन्होंने लोगों को रखा था, उसको वर्णन कर दिया था, उसको रख दिया, इसी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, बाकी जो लोग हैं इसमें से जो रविंद्र सिंह सिद्धू वो भी वर्तमान में पूर्व में एक मुकदमा इनके ऊपर पहले भी कई जगह मुकदमे हुए हैं, वहाँ पर ये तिहाड़ जेल में पहले से भी जेल में है। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें हेल्प फाइनेंस लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज अधिकारी उनको आज गिरफ्तार किया गया है, और ये नई दिल्ली में है जो तिलक नगर थाना है वहाँ के निवासी है। ये बेसिकली एक